हम शुरू करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के लिए सफलता का महामंत्र जिसके अंदर वर्ड फॉर्मेशन एंड लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं तो फॉर वर्ड फॉर्मेशन एंड लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या होता है एज पर द नेम आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पे आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी कि यहां पर ये क्या किस तरीके से क्वेश्चन हमें बता रहा है क्या हमें यहां यह कहना चाह रहा है तो वर्ड फॉर्मेशन का नाम समझ में आ रहा है आपको कि क्वेश्चन जो भी हमें कहेगा वो क्या है वर्ड फॉर्म करना है इसके अंदर हमें और उसी के ऑर्डर को हमें बताना है तो हमें कुछ लेटर्स दिए जाएंगे जिसके वर्ड से हमको फॉर्म करना है और लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड दो अलग टॉपिक लगते हैं बट है सिमिलर टॉपिक आइए इनकी बात करें किस तरह से हमें क्वेश्चंस को यहां पर आंसर करना है ठीक है तो आइए शुरू करते हैं फटाफट क्वेश्चन के साथ तो हमारा पहला सवाल आपके सामने ये रहा क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ड गिवेन इन कैपिटल लेटर दिया गया यहां पर आपको इट इज फॉलोड बाय फोर वर्ड्स आउट ऑफ दीज फोर वर्ड थ्री कैन बी इन तीचार में से तीन फॉर्म हो सकते हैं लेटर ऑफ वर्ड्स इन द कैपिटल लेटर पॉइंट आउट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द कैपिटल लेटर तो यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको इस बड़े बड़े वर्ड के जो कैपिटल लेटर में दिया गया है इनके लेटर्स को यूज करते हुए चेक करना है कौन सा वर्ड इसमें बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता है ये आपको चूज करना है ये क्वेश्चन क्या रहा है तीन बन सकते हैं एक नहीं बन पाएगा जो नहीं बन पाएगा वही हमारा यहां आंसर हो जाएगा जल्दी से मुझे आंसर करेंगे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग शुभी नीलम अमर सभी को गुड इवनिंग मुस्कान कार्तिक प्रीति वाजपेयी आप सभी को गुड इवनिंग है जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर कीजिए इसमें से कौन सा वर्ड है जो इस वर्ड से बन सकता है और कौन सा है जो नहीं बन सकता और हमें यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा पॉइंट आउट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म कौन सा नहीं बना सकते दैट विज बी आंसर तो यहां पर आंसर आना शुरू हो गया है सर डी होगा डी होगा डी होगा हमारा आंसर डी होगा गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी गुड इवनिंग तो क्वेश्चन पे आइए हम लोग बात कर रहे हैं तो डी 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 यहां आंसर आना शुरू हो गया है सर नेवर नहीं बन पाएगा डी हमारा आंसर होगा तो आइए देखें क्या डी सही आंसर होगा तो टाइमर तो मैं भूल गया था चलिए कोई बात नहीं टाइमर की साथ की बात करेंगे तो अभी यहां देखें हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे पास तो उसका आंसर देखते हैं हम लोग तो चीयर की अगर हम बात करें तो चीयर के लेटर्स क्या है सी एच डबल ई आर मतलब बनाया जा सकता है एंटर की बात करें तो ई e, एन टी दोबारा से ई e यहां पर है और उसके बगल में ही मिल जाएगा आर एंटर भी बनाया जा सकता है ठीक है तो दोनों ही वर्ड यहां बन सकते हैं इसके बाद अगर ध्यान से देखें नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या दिया है मीटर तो एम ई टी ई आर ये भी पॉसिबल है बट जब मैं नेवर की तरफ जाऊंगा तो हम देख पा रहे हैं यहां पर V अवेलेबल नहीं है और इस कारण से मेरे पास नेवर यहां बन नहीं पाएगा तीन तो बन सकते हैं बट नेवर नहीं बन पाएगा और हमें यही ढूंढना था कि कौन सा वर्ड इसमें से नहीं बन पाएगा सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नेवर यहां पर सही आंसर हो जाएगा चलिए अगले क्वेश्चन जल्दी देखेंगे क्या कर रहे हैं यहां पर हमारा आंसर क्वेश्चन फिर से आ गया है क्या ढूंढने को बोला है जल्दी देखो ध्यान से और मुझे आंसर बताओ क्या कह रहा है फॉर्म करना ऑल्टरनेटिव वर्ड देखिए अब देखो इसमें ध्यान दो और कैन नॉट बी फॉर्म ढूंढना है विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स गिवन वर्ड्स के लेटर्स को देखते हुए कौन सा नहीं बना सकते ये आपको यहां पे आंसर मार्क करना है तो जल्दी से मुझे आंसर कीजिए कौन सा इसमें से आप कह रहे हो कि नहीं बनेगा बी फास्ट एन आंसर में जल्दी से आंसर करिएगा कौन सा नहीं बन पाएगा गुड इवनिंग गुड इवनिंग है जल्दी बताओ कौन सा नहीं बनेगा इसमें चलिए देखें कौन सा नहीं बन सकता है हमारे पास जल्दी कीजिए चलिए देखें यहां पर कौन सा बनेगा साइकिल में अगर हम ध्यान से देखें तो साइकिल में दिए गए लेटर्स को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहां पर हम देख पा रहे हैं सी वाई सी एल ई मिल जाएगा मतलब ये बन सकता है। पेंसिल के लेटर्स को सर्च करेंगे तो पी ई एन सी आई एल ये भी बन जाएगा ठीक है तो अब हमने देखा तीसरा वर्ड योग तो योग को चेक करने की कोशिश तो की वाई ओ के हमें नहीं मिल रहा है तो हमारा सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा योग इज योर द करेक्ट आंसर जो इसमें नहीं बन पाएगा बिकॉज फोर्थ वर्ड डाइल की अगर हम बात करें तो डाइल हमारा यहां पर बन सकता है डी आई ए और ये रहा एल तो तीन वर्ड हमारे बन सकते हैं एक नहीं बन सकता वही हमसे पूछा गया था तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर आए हैं सभी के थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन योग बिल्कुल सही आंसर है कि योग नहीं बन पाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर जल्दी से आपके पास तीसरा क्वेश्चन आ गया है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या आंसर होगा यहाँ पे बी फास्ट एन आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर कीजिए मुझे जल्दी से बी फास्ट कौन सा इसमें से आंसर हो जाएगा क्या पूछ रहा है विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म कौन सा नहीं बनाया जा सकता आपको यही यहां पर सर्च करना है जल्दी से मुझे आंसर देंगे कौन सा वर्ड इसमें से नहीं बन सकता बी फास्ट एन आंसर मी जल्दी करेंगे जल्दी जल्दी बहुत जल्दी आंसर करिए कौन सा नहीं बना सकते हैं तो आपको दिया गया वर्ड है मशीनरी इसमें किस लेटर का यूज करेंगे और इसमें कौन सा वर्ड बनेगा कौन सा नहीं बनेगा जल्दी से चेक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग खुशी राजपूत शिवानी शुभी पाठक अभय ममता जल्दी आंसर करो सभी लोग आंसर करें जल्दी से यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गया सर ऑप्शन थ्री होगा हमारा आंसर माइंड हमारा सही आंसर होना चाहिए तो आइए देख लेते हैं क्या माइंड होना चाहिए या माइंड हमारा सही आंसर नहीं हो पाएगा तो माइंड के साथ अगर देखें तो पहले सभी वर्ड्स चेक करना होगा हमें तो नियर के साथ देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं एन ई ए, ए और आर अवेलेबल है मतलब नियर कैन बी फॉर्म माइस देखें तो एम आई सी और ई इट कैन बी फॉर्म माइंड के लिए देखेंगे तो डी हमें नहीं दिख रहा है बिल्कुल सही बात है डी हमें नहीं दिख रहा है और हैरी के साथ अगर हम बात करें तो एच ए आई आर वाई हैरी हमें यहां पर दिख रहे हैं लेटर्स मतलब सही आंसर बिल्कुल माइंड ही सही आंसर होगा माइंड में डी नहीं है, बिल्कुल सही बेटा शुभी डी यहां पर अवेलेबल नहीं है, हमारा सही आंसर होगा, बिल्कुल आंसर है। जल्दी से क्या चाहता है आपसे यह बहुत जरूरी है क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन क्या मांग रहा है ताकि आप आंसर बहुत इजीली कर पाए क्वेश्चन क्या क्या आराम हमसे पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन ने कहा है फ्रॉम द गि ऑल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वन विच कैन बी फॉर्म अभी तक हम क्या ढूंढ रहे थे विच कैन नॉट बी फॉर्म बट इस बार क्वेश्चन ने क्या मांग लिया आपसे विच कैन बी फॉर्म जल्दी से मुझे आंसर कीजिए आपका टाइमर यहां पे जल्दी खत्म होने वाला है टाइमर फिर से शुरू हो गया है एक बार और आपको दोबारा जल्दी सॉल्व कराने के लिए जल्दी से आंसर करिए मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर आपका चाहिए सेशन पसंद आ रहा है लाइक like जरूर कीजिए कमेंट भी आसा कीजिए और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इसका फायदा टाइमली उठा सकें और एस एस इस साल ही क्रैक करना है हम सभी क्रैक करेंगे इसके साथ इस भावना के साथ जल्दी सभी के साथ शेयर करेंगे सब साथ में इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे कोई बात नहीं गलतियां क्वेश्चन में होती रहती हैं कोई दिक्कत नहीं है आंसर कौन सा इस वाले में होगा उसको ढूंढेंगे जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें यहां पर आ गया है आंसर मेरे पास कुछ का कहना है सर कम्युनिकेट होगा कुछ का कहना है सर थर्ड ऑप्शन मेडिको होगा होगा पर सही आंसर तो लेट्स सी कौन सा क्योंकि तो आप लोगों ने कम्युनिकेट और मेडिको में आंसर बोलना शुरू किया तो इसको मैं बाद में देखूंगा पहले हम देखते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ड्स तो पहले देखा मैंने मेडिकेट्स तो तो इस वर्ड के अंदर देखना शुरू किया तो यहां पर देखें तो एम E D I A T E फिर हमारे पास S अवेलेबल नहीं है क्योंकि S यहां अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास आंसर के हिसाब से ये वर्ड बनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर देखें फोर्थ के साथ तो रिमाइंडर में अगर हम देखें तो R E M I एन डी ई अब दूसरा आर यहां अवेलेबल नहीं है तो ये भी बन नहीं पाएगा कोई बात नहीं पूजा पहली क्लास है तो कोई अच्छी बात है कहीं से भी शुरुआत करेंगे बिल्कुल बाकी क्वेश्चन आप वहां जाकर के भी देख सकते हो इसलिए आप टेंशन नहीं ले सकते यहां पर सारे क्वेश्चन आराम से करें और अब देखें यहां पर जब हम तुम्हारा वर्ड कम्युनिकेट और मेडिको के साथ अगर हम बात करें तो कम्युनिकेट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका यू एक लेटर है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है ठीक है तो इसलिए हम इसको देख सकते हैं कि यह भी नहीं बनेगा तो आपका मेडिको वर्ड है जो बन जाएगा ठीक है मेडिको वर्ड है जो यहां पर बन सकता है और यही तुमसे पूछा गया था कि कौन सा वर्ड इसमें से बन पाएगा तो आंसर है मेडिको इज योर करेक्ट आंसर जो यहां पर बन सकता है ध्यान रखिएगा आपसे पूछा गया है विच इज विच कैन बी फॉर्म विच वर्ड कैन बी फॉर्म नहीं का नहीं पूछा था आपका आंसर तो सही है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना था आपको कि इसमें पूछा क्या है इसने पूछा है कि कौन सा क्वेश्चन यहां पर वर्ड है जो बन सकता है तो आंसर इज मेडिको मेडिको यहां पर बन सकता है दैट इज योर करेक्ट आंसर चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और जल्दी से मुझे इसमें आंसर बताइए कौन सा वर्ड इनमें से है जो बन पाएगा कौन सा वर्ड है जो इसमें से नहीं बन पाएगा बी फास्ट आंसर करेंगे मुझे आप लोग जल्दी से मैं जल्दी से आंसर करिए कौन सा बन पाएगा कौन सा नहीं बन पाएगा जल्दी से आंसर करिए कौन सा बनेगा इसमें से विच वर्ड कैन बी फॉर्म जल्दी बताइए तो ये देखें यहां पर क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा विच वन कैन बी फॉर्म और कैन नॉट बी फॉर्म दोनों चीजें वर्ड में मेंशन है यहां पर क्या लिखा है विच कैन ऑब्लिक कैन नॉट बी फॉर्म मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा इन पांच में चार में से कौन सा हमारा सही आंसर होगा क्योंकि तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि हमने आपको क्या दिया है हमने आपको जो चार वर्ड्स दिए हैं उनमें से तीन या तो बनेंगे या तो नहीं बनेंगे और जो एक अलग हो जाएगा वही आपका आंसर है यानी यहां पर कुछ भी करो घुमा फिरा के अगर देखें तो यहां पर आपका केस क्या बन जाएगा तो यहां पर आपका जो केस है दैट इज कॉल्ड एज ऑड वन आउट आपने पढ़ा है ऑड वन वाले क्वेश्चन तो ऑड वन के केस में घुमा दिया है वर्ड फॉर्मेशन में कि कौन सा इसमें से बनेगा कौन सा नहीं तो आइए देखें इस बार यहां पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा तो पूछा गया वर्ड हमारा पहले तो कैरेट का क्या है बनेगा कि नहीं लेट्स ट्राई तो सी ए डबल आर यहां पर अवेलेबल है और फिर ओ और टी भी अवेलेबल है मतलब पहला बनने में प्रॉब्लम नहीं है दूसरा क्रोम के साथ जाएंगे तो C H R O M E यहां कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा मतलब सेकेंड वर्ड यहाँ नहीं बनेगा बट अभी हम आंसर यहां पर दे नहीं सकते क्योंकि तो एक बन रहा है एक नहीं और क्या ढूंढना है हमें पता ही नहीं है तो और भी देखना पड़ेगा आगे के वर्ड चेक किए गए तो तीसरा वर्ड है ग्राफ। चेक किया जाते हैं G R A P H सामने दिख रहा है मतलब इट कैन बी फॉर्म और अगर दो बन सकता है एक नहीं तो मतलब आंसर हमें समझ में आ जाता है कि आंसर हमारा यहां पे क्या होगा क्रोम होगा द करेक्ट आंसर यही वो वर्ड है जो यहां नहीं बन सकता बिकॉज अगर ध्यान देखें तो आपका रेस्ट ऑफ वर्ड्स बन पाएगा ग्राम भी आप साफ साफ देख पा रहे हो जी आर ए एंड एम तो ग्राम भी हमारा बन सकता है सिर्फ एक वर्ड है दैट इज क्रोम जो नहीं बन सकता तो जो पूछा है क्वेश्चन ने कैन और कैन नॉट बी फॉर्म मतलब क्वेश्चन कंफर्म नहीं कर रहा क्लियर नहीं कर रहा आपको कंफ्यूज कर रहा है आप खुद ढूंढो कि चारों में से क्या आंसर हम करेंगे तो हम देख पा रहे हैं ये वर्ड हमारा बन रहा है तीन वर्ड बन रहे हैं एक नहीं इस कारण से मेरा सही आंसर ये गलत वाला होगा ध्यान रखना ये गलत वाला ही मेरा सही आंसर होगा ठीक है गुड आगे क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन आपके टाइमर के साथ आपके पास है बेटा आपको कॉन्टेक्ट करना है तो यहीं पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर आप बात कर सकते हैं वहां से आपको कॉन्टेक्ट हो सकता है तो आइए क्वेश्चन की बात करें कोचिंग के लिए आपको अगर देखना है तो आप टोल फ्री नंबर पे भी हमारे बात करके वहां से भी आपको कोचिंग की जानकारी मिलेगी कि हमारी कोचिंग किस जगह पर है तो आप टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं तो यहां हमारे बिल्कुल आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा है ठीक है तो आइए फटाफट फड़ हम क्वेश्चन की तरफ बात करें तो हमें आंसर क्या है जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग अभी तक आंसर आया नहीं है आपका बी फास्ट एंड आंसर क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें बी फास्ट आंसर करेंगे इसमें से कौन सा वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा आपको वही फॉर्म फिर से ढूंढना है चार में से तीन एक जैसे और एक थोड़ा अलग होगा बिल्कुल ऋतिक सिलेक्शन हो ही गया है तो बहुत बढ़िया आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बिल्कुल ऋतिक प्रजापति आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है से सिलेक्शन होने की खुशी में तो अभी क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आइए देखते हैं हम आंसर की तरफ मूव करेंगे तो आंसर यहां पे मेरे पास आने शुरू हो गए हैं लाइन से आंसर आने शुरू हो गए हैं तो आइए देखते हैं कि सही आंसर इसमें से कौन सा होगा ध्यान रखिए कैन can और कैन नॉट बी के फॉर्म में दिया है मतलब हमें कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि आंसर सही क्या है वो आप ढूंढो तो ढूंढते हैं और सही आंसर की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन ने जो कहा उसके साथ मूव करेंगे तो पहले पॉइंट पे आया हमारे पास वर्ड है ग्राफ तो जी आर ए पी एच साफ साफ देख पा रहे हैं इट कैन बी फॉर्म इट कैन बी फॉर्म ब्लॉग बी एल ओ जी इट कैन बी फॉर्म दो फॉर्म हो पा रहे हैं, मतलब वो ढूंढना है जो नहीं होगा बात सही है, जो नहीं होगा वो ढूंढना है इट कैन फॉर्म, तो मतलब हमारे पास बचता वर्ड है जो बाइबल वही तो होगा जो नहीं बनेगा तीन बन गए हैं तो. तो बाइबल के अंदर देखिए बी आई बी एल लेकिन ई e यहां अवेलेबल नहीं है दैट्स वाई बाइबल इज द करेक्ट आंसर जो यहां पर क्रिएट नहीं किया जा सकता यूजिंग ऑफ द लेटर इन द वर्ड यूज बाइब्लोग्राफी तो बाइबलोग्राफी के अंदर डी ऑप्शन बाइबल हमारा वो है जिसके अंदर ई यूज हुआ है जो बाइब्लोग्राफी में नहीं हुआ था दैट्स वाई बाइबल कैन नॉट बी फॉर्म इन दिस क्वेश्चन चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखें और इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है तो क्वेश्चन ने कहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन ऑब्लिक कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड अगेन फिर से वैसा ही क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता है इसे जज करना है आपको यहां पर आंसर करना है तो जल्दी से जज करेंगे विच वर्ड कैन बी और कैन नॉट बी फॉर्म और क्या एक्चुअल में यहां पे ये यह आंसर चाहता है मुझे जल्दी से आंसर कीजिए चलिए जल्दी करेंगे आंसर कैसे करना है क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए जल्दी से टाइमर आपका एक बार फिर से शुरू करते हैं ताकि आप लोग को टाइम मिल जाए पूरा आंसर करने के लिए तो चलिए जल्दी से टाइमर के साथ आप आंसर करेंगे मुझे टाइमर दोबारा से आ गया है आपके सामने तो जल्दी से इस टाइमर के खत्म होने से पहले पहले आप सभी का आंसर आ जाए और सेशन को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का फायदा उठा सकें तो बी फास्ट जल्दी से जल्दी शेयर करिए एंड लाइक कीजिए ताकि लोगों तक इस का लिंक पहुंच सके तो प्लीज शेयर कीजिए एंड लाइक जरूर करें कमेंट कर रहे हैं आंसर आना शुरू है यहां पर सर स्टोल आंसर होगा कैंडिडेट्स आप आपसे कह रहे हैं आप बच्चे सभी कह रहे हैं कि सर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा स्टोल हमारा सही आंसर होगा चलो देखें क्या स्टोल होगा या नहीं क्योंकि क्वेश्चन ने वैसे भी हमें डाउटफुल रखा है कैन ऑब्लिक कैन नॉट कह रहा है बनाया अथवा नहीं बनाया जा सकता पूछ रहा है वो कंफ्यूज करके छोड़ रखा है तो कोई बात नहीं हम क्लियर कर लेते हैं आइए तो बी आर ए आई एन ब्रेन के साथ देखें तो स्टार्टिंग में ही वर्ड वहीं से स्टार्ट हुआ है ब्रेन तो पहला तो नो no डाउट बनेगा सेकेंड इज मॉर्निंग तो मॉर्निंग में देखें तो आपके पास लेटर्स हैं एम ओ आर एन आई एन जी मतलब मॉर्निंग भी बनने लायक वर्ड है इसके अंदर स्टोल एस टी ओ एल ई दोनों ही लेटर गायब है ना एल है यहां ना ई है मतलब स्टोल यहां बनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा एंड द फोर्थ वर्ड स्ट्रोम में देखें तो एस टी ओ आर एम साफ साफ देख पा रहे हो वो बन सकता है सो द करेक्ट आंसर इज स्टोल आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा तो आई होप बात समझ में आ रही है बिल्कुल यहां पे समझ में आना चाहिए जहां भी आपको देखो बिल्कुल आंसर क्लियर होगा डाउट no देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे फिर बोला गया है अगेन सेम लाइन बट थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा वो क्या चाहता है फॉर्म चाहता है कि कैन नॉट फॉर्म चाहता है या ऑब्लिक क्या करके कह रहा है कि फाइंड कीजिए और हमें आंसर करने की कोशिश कीजिए देखिए यहां पर क्या कहा तीन वर्ड आपको दिए गए हैं जो बन सकते हैं और आपको वाइन करना है विच वर्ड कैन नॉट फॉर्म तो कौन सा फॉर्म नहीं होगा वो यहां पर ढूंढना है चार में से तीन बनने वाले हैं एक नहीं बनने वाला है कौन सा वर्ड है जो नहीं बनेगा चाहे मैं आपके सामने शुरू करते हैं और जल्दी से मुझे आंसर करिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि सही आंसर कौन सा होगा और जल्दी से शेयर भी करते रहिए दोस्तों के साथ और लाइक तो कर दीजिए जल्दी से जल्दी से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और कमेंट आप आंसर में कीजिए जल्दी से कि सही आंसर इसमें से कौन सा होना है हमारा बीफ़ास आंसर जल्दी जल्दी आंसर करेंगे क्या हमारा आंसर यहां पर होना चाहिए जल्दी करिए टाइमर खत्म हो रहा है तो टाइमर खत्म होने से पहले पहले सभी का आंसर आना चाहिए यहां पर तो जल्दी करिए टाइमर के साथ जल्दी से आंसर करेंगे और आंसर आना शुरू हो गया है तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर करो भाई पेन होगा रैप होगा टेंट होगा या फिर रेंट होगा कौन सा वर्ड है जो इसमें से आपका बनेगा और कौन सा वर्ड है जो नहीं बनेगा हमारा आंसर कौन सा नहीं बनेगा वो हमारा आंसर होगा जल्दी से चेक करेंगे कौन सा है यहाँ पर जो नहीं बनेगा आंसर आना शुरू है सर तो टेंट 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 ऑप्शन सी टेंट हमारा आंसर होना चाहिए तो आप देखते हैं क्या टेंट हमारा सही आंसर होना चाहिए तो आइए देखिए आंसर भी ये बताने के लिए चला आया है हमारे बॉक्स महाशय आ गए हैं आंसर बताने के लिए आपको तो आइए हम तब तक देख लेते हैं पेन देखें तो पीई एन -E अवेलेबल है आर आई पी ई आर आई पी ई भी अवेलेबल है आर ई एन टी रेंट भी अवेलेबल है और टेंट के लिए आपको चाहिए था टी दो बार जो यहां पर अवेलेबल नहीं है सो so, तो हमारा आंसर इस कारण से यहां पे क्या बन गया कि हमारा टेंट यहां पर सही आंसर है जो इसमें नहीं बन पाएगा कैन नॉट बी फॉर्म के केस में टेंट है जो नहीं बन पाएगा दो बार टी हमारा अवेलेबल नहीं है इस कारण से सही आंसर इज टेंट चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन अगले मूव करेंगे नंबर पे बढ़ते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन पर आंसर क्या होगा तो चलिए टाइमर देते हैं आपको और इस टाइमर के अंदर अंदर आंसर करेंगे आप लोग मुझे जल्दी से बी फास्ट आंसर करिए क्या होगा आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर बी फास्ट जल्दी से जल्दी से आंसर करिए यहां पर क्या हमारा सही आंसर होगा इसके अंदर जल्दी करेंगे आंसर इसके अंदर क्या सही आंसर इसके अंदर होना चाहिए हमारे पास चलिए टाइमर यहां पे खत्म होने लगा है तो जल्दी से करें आंसर यहां पर हमारा क्या आंसर होगा चलिए देखेंगे जल्दी से इसमें आंसर सही आंसर क्या होता है तो वर्ड कौन सा बनेगा इसको चेक करेंगे आइए यहाँ पे ऑप्शन आना शुरू हो गए हैं सर डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन आइए देखे चलिए डी ऑप्शन होगा क्या कौन सा हमारा सही आंसर इसमें होगा तो आइए देखते हैं सही आंसर तो ढूंढते हैं पूछा गया है विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म कौन सा नहीं बनेगा ये ढूंढना है तो ढूंढना शुरू करेंगे तो पहला वर्ड है मेंटोर एम ई एन टी ओ आर मतलब इट कैन बी फॉर्म सेकेंड वर्ड टी ई एन टी यू आर ये भी बन सकता है सेकेंड वर्ड ऑल्सो टेंटोर भी बन पाएगा नेक्स्ट वर्ड एन ए एम एन ए एम टी ई आर ये वर्ड भी हम देख पा रहे हैं बन पाएगा सो so, हमारा आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन ही हो जाएगा कि तीन बन गए हैं तो अगेन यही आंसर है जो नहीं बनेगा तो टी ओ यहाँ पे थोड़ा साफ कर दें आपको देख सकते हैं कौन सा वर्ड यहाँ पे नहीं बनने वाला तो उस पर हमारा बॉक्स भी आ चुका है कि यही सही आंसर होना है ऑप्शन डी और आप सभी बिल्कुल सही थे कि हाँ ऑप्शन डी टोनम नहीं बनेगा तो टॉन टी ओ एन ई एम के बाद दूसरा ई यहां वर्ड में अवेलेबल नहीं है सो आपका ये तीस चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा चलिए जल्दी से क्वेश्चन पे मूव करेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने टाइमर भी चालू हो गया है बहुत तेजी से टाइमर आया है इस के सामने आपके चलिए हम आंसर दे रहे हैं आपको तो बी फास्ट एंड आंसर करेंगे यहां पर क्वेश्चन क्या होगा हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर बी फास्ट जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन के अंदर कोई बात नहीं सुबह सबसे पहले नहीं आ पा रहा थोड़ा सा नेट आज इशू कर रहा है तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा चलेगा, चलेगा। चलिए आंसर करेंगे आप जल्दी से मुझे कि आपका आंसर है क्या वो मुझे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर के साथ कर दीजिए क्वेश्चन नंबर टेन है तो हमको पता चल जाएगा कि आपने आंसर क्या दिया है तो क्वेश्चन के साथ आप आंसर करेंगे तो आइए देखें इसके अंदर सही आंसर पे देखिए बॉक्स भी कूद पड़ा है बीच में कि आंसर कौन सा होगा बताने के लिए इस बॉक्स के साथ देखेंगे कहा रुकता है और क्या पूछा है हम उसको ढूंढते हैं पहले जब तक बॉक्स रुकता रहेगा कैन नॉट बी फॉर्म पूछा है तो रुक चुका है बॉक्स चार्टर पे यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो चार्टर वर्ड के साथ अगर देखें तो हमारे पास यहां पर अवेलेबल नहीं है एच एच इज नॉट अवेलेबल इन दिस वर्ड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज चार्टर मतलब एच हमारे सामने आ चुका है और उसी के कारण हमें कंफर्म होता है कि ये सही ऑप्शन हमारा होगा ठीक है तो आइए बड़ा वड़ मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका टाइमर जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है क्या रहा है? और बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे आप जल्दी से करिए और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन मिलता है उसे भी जरूर टिक कीजिए जिससे कि की सबसे पहले पहुंचे आप हमारे वर्ड्स के साथ हमारे वीडियोस के साथ आपका सिलेक्शन कराना ही हमारा मेन मोटिव हमारा मंत्र मंत्र है हमारा कि आपका सलेक्शन होना ही चाहिए तो इसके लिए जल्दी से यहाँ पर बताइए मुझे इसमें से आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या हमारा सही आंसर इसमें से हो जाएगा तो टाइमर देखिए यहाँ पर शुरू है दोबारा से एक बार सामने फिर से कूद पड़ा है टाइमर जल्दी मुझे बताइए विच वन इज योर आंसर क्या हमारा सही आंसर इसमें होगा जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर बी फास्ट आंसर जल्दी जल्दी करिए मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का जल्दी से आंसर कर दीजिए और सेशन को लाइक like, शेयर भी करना मत भूलिएगा चलिए देखें यहां पर हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा ये फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन ने क्या कहा है इफ द फॉलोइंग लेटर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द स्टैंडर्ड एल्फाबेटिकल ऑर्डर देन ंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स प्लेसड फर्स्ट फोर्थ सिक्स अरेन्ज करो और फिर इन वर्ड को उठा करके बताओ कौन सा वर्ड बनेगा ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर में आप सर्च कर सकते हैं ये सभी क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर का है आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं मिलेगा आपको प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन आपके सामने पेश किए गए हैं तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो दिए गए वर्ड को हमें इसमें सभी लेटर्स को एल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो आइए अरेंज करते हैं और फिर यहाँ पर फर्स्ट फोर्थ सिक्स नाइन्थ और सिक्सटींथ लेटर उठाते हैं और कौन सा वर्ड बनेगा उसकी तरफ फिर हम देखते हैं तो सबसे पहले जब इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया जाएगा तो सबसे पहला लेटर होगा ए बी फिर आएगा सी डी मुझे यहां पे दिख नहीं रहा है तो हम मूव करेंगे ई e की तरफ फिर मुझे एफ भी यहां पे नहीं दिख रहा है इसलिए हम जी की तरफ जाएंगे आफ्टर दैट एच है यहां पर और फिर आई भी है तो एच के बाद आई लाइन से लिख सकते हैं आई के बाद आता है जे जो यहां पर अवेलेबल नहीं दिख रहा तो जे के बाद आएगा हमारा लेटर के के बाद एल एल अवेलेबल है और एल के साथ ही साथ आप देखें तो यहां एम भी अवेलेबल है और एम के बाद आता है लेटर एन जो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है एन के बाद ओ नहीं है ओ के बाद आता है पी वो भी नहीं है पी के बाद आएगा क्यू दैट इज अवेलेबल तो क्यू आ जाएगा क्यू के बाद आता है आर और आर यहां पे हम देख पा रहे हैं अवेलेबल है तो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो प्लेस वैल्यू का यूज जरूर करेंगे जिससे आपको बहुत ईजिली आंसर ये मार्क करने में रहेगा ऑर्डर लिखने में भी आपको हेल्प देगा स्पीड अप कर देगा आपको और बहुत आराम से आप आंसर कर पाएंगे यहां पर मेरे पास आंसर आना शुरू हो गया है तो आइए जल्दी से हम खत्म करते हैं ऑर्डर को अपने और सही आंसर कौन सा होगा उसको देखते हैं ठीक है तो आर के बाद एस एस यहां पे है हाँ है एस भी है और टी भी है ये देखिए और टी के बाद यू अवेलेबल है और यू के बाद वी मैं ढूंढूं तो वी हमें नहीं दिख रहा और वी के बाद आता है डब्ल्यू और फिर एक्स तो डब्ल्यू और फिर एक्स भी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है हम देख पा रहे हैं हमने सारे लेटर्स यहां पर यूज कर लिए हैं अगर आपको डाउट हो और क्लियर करना हो तो ज्यादा कुछ नहीं आपको सिर्फ यहां पर लेटर्स को काउंट कर लेना है कि कितने आपने देखिए कितने गिवन है जिससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि कितने यहां पर हमें दिए हैं हमने कितने लिखे कोई लेटर छूट तो नहीं गया डबल तो नहीं हो गया हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है इससे तो गिन लीजिए जल्दी से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन लेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं तो हमारे पास दिए गए वर्ड्स में जो हमने अरेंज किया है उसके अंदर न टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन तो सेवनटीन तक हम गए हैं और सेवेंटीन ही थे मतलब हम सही गए हैं तो जल्दी से फर्स्ट फोर्थ सिक्स नाइन एंड सिक्सटीन लेटर्स को उठाते हैं फर्स्ट इज ए फोर वन टू थ्री फोर इज ई सिक्स फाइव सिक्स इज एच नाइन सेवन एट नाइन इज एल नाइन के बाद सिक्सटीन सेवनटीन लेटर्स है मतलब 16 होगा सेकेंड लास्ट इज डब्ल्यू तो आपके पास गिवन लेटर्स आ जाते हैं ए ई एच एल डब्ल्यू को मिला के बनने वाला हमारा मीनिंगफुल वर्ड्स इनमें से ढूंढना है इनमें से ढूंढना है मीनिंगफुल वर्ड इन लेटर्स की मदद मतलब से तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं हमारा जो आंसर होगा दैट इज वेल हमारा बॉक्स भी आ चुके हैं देखिए सही आंसर हमारा वेल बिल्कुल यहां पे बहुत सारे कैंडिडेट्स का सही आंसर आया है यस सर वेल होगा वेल होगा बट देखिए लेटर्स के यूज करके वर्ड बनाने में तो हम कर सकते हैं लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत हो जाता है पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो उसने हमें क्या बोला कि इन लेटर्स को यूज करेंगे और वो भी आफ्टर अरेन्जिंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एल्फाबेटिकल ऑर्डर तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इन पोजिशन पे जो डिजिट्स आते हैं जो लेटर्स आते हैं उनको यूज करके वर्ड बनाओ तो उनको बनाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा वेल और इसीलिए हमारा ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाता है तो ये आपका टॉपिक हमारा वर्ड फॉर्मेशन के अंदर हमको समझ में आया है किस तरह से किया जाए अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स के अंदर दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी आपसे डिक्शनरी ऑर्डर कहेगा अरेंज करो तो कभी प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में ही अरेंज करने की बात क्वेश्चन में कही जाएगी तो यहां देखिए डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने की बात क्वेश्चन ने हमसे कही है तो डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से जब अरेंज करेंगे तो देखिए डिक्शनरी में हिंदी में कहते हैं शब्द कोश तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही ऑर्डर होगा इन वर्ड्स का एज पर डिक्शनरी जल्दी से मुझे यहां पर आंसर करिए कमेंट बॉक्स में आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कौन सा इसमें से से सही आंसर 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 आपका होगा? Be fast, जल्दी जल्दी करेंगे। मैं वेट कर रहा करिए और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और सेशन को लाइक like करना मत भूलना कमेंट करिए अपने आंसर्स को कैसा लग रहा है सेशन उसको भी कमेंट में जरूर दीजिए अच्छा लग रहा है तो यस कहिए बिल्कुल जल्दी जल्दी करिए और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस सेशन का फायदा उठा सकें बी फास्ट एंड सभी के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाना जिससे कि आपको पता हो कि हाँ जो भी वे आपका वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आराम से मजा आ गया वेरी गुड बढ़िया है मजा आना ही चाहिए और आंसर भी आना चाहिए क्वेश्चन भी सॉल्व होने चाहिए मजा आने के लिए ही तो है मजे के साथ पढ़ेंगे सब कुछ समझते हुए तो सेलेक्शन तो मजे मजे में आराम से हो जाएगा तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर टाइमर खत्म हो चुका है बॉक्स को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं बॉक्स को भी यहां बुलाते हैं कि क्या हमारा होगा तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले अच्छा देखिए आंसर करना तो बहुत आसान है सभी को डिक्शनरी में अरेंज करना है किस तरह से ऑर्डर में अरेंज होता है बस वही देखना है और अरेंज हो जाएगा तो अब इसको अरेंज करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होगा हमारे पास तरीका क्या रखते हैं हम ऑप्शन का अगर यूज करेंगे आंसर करने के लिए तो हमारा टाइम बहुत कम हो जाता है जी हाँ बहुत कम समय हो जाएगा अगर हम ऑप्शन का यूज करेंगे आंसर करने के लिए न कि सीधे तौर पर उन्हें सॉल्व करने पर जाए तो सीधे तौर पे सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा टाइम थोड़ा बढ़ सकता है इसलिए हम वहां पे ऑप्शंस का यूज करते हैं आंसर करने के लिए ठीक है तो आइए करते हैं किस तरह से अंदर इसके कर सकते हैं हम लोग तो किस तरह से करेंगे आइए देखेंगे तो सबसे पहले हमारे ऑप्शन वाइज देखें तो पहला वर्ड यहाँ पे जो दिया गया नंबर वाइज नंबर फाइव नंबर फाइव नंबर टू एंड नंबर टू इसका मतलब टू और फाइव में ही कोई एक हो सकता है जो पहले पहले सबसे आगे आएगा तो सबसे पहले पहले आगे कौन सा आएगा नंबर टू या नंबर फाइव आइए उन दोनों में ही भिड़त करते हैं बाकी को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए बाकी होल्ड पे जाएंगे इन दोनों वर्ड्स में लेटर्स को कंपेयर करना शुरू किया हम देख पा रहे हैं स्टार्टिंग के जी आर ए दोनों में सेम हमारे को दिखे आफ्टर दैट द फोर वर्ड इज पी एंड एन अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं आपके लिए इट्स अ फोर्टीन एंड इट्स अ इट्सटीन जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा सेकेंड वर्ड पहले आएगा ठीक है स्टार्ट बाय सेवन एंड ऑप्शन आर सेकेंड प्लेस पर तो नंबर फाइव को ही आना है तो उस पर मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े एंड आफ्टर दैट इसके तुरंत बाद देखिए फोर एंड वन में कौन सा पहले आ जाएगा तो कौन सा पहले आ जाएगा चलो ढूंढो जल्दी से फोर और वन में ढूंढ लो इन दोनों में से पहले कौन सा बस वहीं आपका आंसर कंप्लीट तो हमारे पास जी आर ए अगेन यहां पर भी देखिए कॉमन बना है और फिर यहां पर प्लेस वैल्यू वाइज 19 एंड 16 तो पहले क्या होगा 16 यानी कि इसके बाद होगा 4 और इसी के साथ ऑप्शन मुझसे कहता है कि आगे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं और हमारा ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर हमारा बॉक्स भी आ चुका है आंसर सही बताने के लिए देखिए बॉक्स रुकते रुकते ऊपर निकल गया थ्री से पर आकर रुक गया थ्री पे आगे नहीं निकला फोर से निकलते निकलते थ्री पे आ गया तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और टाइमर चालू करके साथ आपके आंसर का वेट करेंगे जल्दी मुझे आंसर करिए अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बी फास्ट आंसर करिए क्या सही आंसर इसके अंदर होगा जल्दी आंसर करेंगे हमें क्या सही आंसर इसके अंदर होगा किस तरह अरेंज करना है इसको अगेन अरेंज करने को बोल रहा है एज पर द डिक्शनरी डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है और मैंने जैसे बताया आंसर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना है सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन हमें हेल्प करेगा आंसर को कैसे जल्दी जल्दी हम करेंगे जल्दी से वेरी गुड आंसर सही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर सही आना शुरू हो गया यहां पर मेरे पास आंसर आने शुरू है तो देखते हैं चलिए पहले स्टार्ट करें देखिए तो ऑप्शन वाइज देखिए फोर थ्री टू वन सबसे पहला कौन सा हमारा काम वहीं पे ओवर अब ज्यादा सोचना भी नहीं हमारा काम हो जाएगा तो आइए देखें यहां पर कौन सा होगा लाइन से आंसर आने शुरू हो गए हैं मेरे पास सर ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी लाओ देखते हैं तुम्हारा सही आंसर है या नहीं बॉक्स भी आना शुरू हो गया तब तक हम भी अपना काम करते हैं चलो देखेंगे तो आर ई क्यू आर ई वी आर ई एफ आर ई टी तो यहां देखिए बॉक्स भी आ चुका है और अब भी देख चुके हैं कि हमारा सबसे पहला वर्ड जो होगा वो तीसरा सबसे आगे आएगा जिस कारण तीसरा यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर बन चुका है बिल्कुल बहुत बढ़िया चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और हमारा क्या आंसर इसके अंदर होगा जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आंसर क्या होगा डिक्शनरी ऑर्डर में इसको जब हम अरेंज करेंगे इन द डिक्शनरी ऑर्डर तो क्या अरेंजमेंट इसके अंदर बनेगा जल्दी से मुझे आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी बताइए टाइम खत्म हो रहा है जल्दी बताइए आंसर मुझे क्या सही आंसर होगा इसके अंदर वॉट इज दी करेक्ट आंसर एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर जब इनको हम अरेंज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा फिर से वही चीज समझिएगा हमारे ऑप्शन के साथ ऑप्शन का यूज करो आंसर करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको आंसर करने में बहुत आसानी से हम आंसर कर पाएंगे ऑप्शन की अगर हम हेल्प लेते हैं तो तो ऑप्शन की हेल्प लेते हैं और उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे देखिए थोड़ा सा भी यहां पर इधर उधर हमें नहीं दिक्कत होगी बहुत आराम से हम इसको आंसर माफ कर पाएंगे तो क्या कहता है हमारा ऑप्शन आओ ढूंढते हैं इसको और देखेंगे क्वेश्चन ने यहां पे हमसे कहा है क्या कहा आओ देखो मिलाते हैं तो ऑप्शन वाइज वन थ्री टू टू पहले कौन सा इन्हीं में देखना है यानी और में में पहले कौन सा Four, को इस वक्त होल्ड रखो one, two, में देखें तो स्टार्टिंग किया एम ए सी एम ए सी एम ए जी जी बाद में आएगा मतलब वन और टू में तो कोई पहले हो जाएगा तो थ्री वाला केस तो हमारा गलत हो गया एक ऑप्शन तो गया वन और टू में से कौन सा तो फोर्थ वर्ड यहां U है और यहाँ ए तो मतलब सेकेंड पहला होगा और सेकंड के साथ ही होते ही ये पहला option भी भी हुआ मतलब और में से एक सही answer हमारा आ जाएगा होता है तो वन और फाइव में देखिए एम ए सी एम ए जी तो सेकेंड ही पहले आएगा तो सेकंड के बाद वन एम ए सी एम ए जी तो वन पहले आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज द करेक्ट आंसर और बॉक्स भी वहीं पर हमारा आके रुक चुका है हमें ज्यादा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है बहुत कम समय में ऑप्शन का हेल्प लेकर के आंसर करो बाकी अगर मैनेज करने की बात है अरेंज करने की बात है तो ये तो बहुत आराम से आप कर ही पाओगे लेकिन जब ऑप्शन की हेल्प है लेते हैं तो टाइम हमारा कम होता है और कंपटीशन तो टाइम पे ही बेस्ड है तो टाइम के साथ करना है और बहुत तेजी से आंसर करेंगे बहुत तेजी से आपके पास टाइमर चल रहा है ऑल ऑफ दीज कैसे मारोगे सर बेटा? ऑप्शन ही यही है आपके पास तो ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन में है ही नहीं तो मारेंगे कैसे होगा तभी तो आप आंसर मारेंगे all of these, all of these के लिए बस इतना ही हमें करना है और कुछ खास नहीं चलिए जल्दी बताइए मुझे इसमें से कौन सा सही आंसर आपका होगा बी फास्ट एन आंसर कि कौन सा सही आंसर इसमें से होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए और सेशन को लाइक करे बिना मत जाना लाइक करिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस सेशन का फायदा उठा सकें और वो भी कह सके कि हाँ तुम्हारी वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया जी डी में सिलेक्शन लेके रहना है।, है इस साल SSC क्लियर करके रहेंगे तो हमारा सही आंसर इसमें से कौन सा होगा बी फास्ट एंड आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे आंसर आने शुरू हो गए हैं तो आइए देखें का सही आंसर कौन सा होगा तो इस बार देखिए ध्यान से इस बार डिक्शनरी ऑर्डर की बात क्वेश्चन ने नहीं मांगी है इस बार वो कहता है मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करो इन वर्ड्स की मीनिंगफुल ऑर्डर चाहिए तो क्या क्या चीजें दी है उसको पढ़ने के बाद हम मीनिंग निकालेंगे तो पहले क्या बोला है यहां पर सेटिस्फाइड इंक्वायरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड ऑफिस इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा सेटिस्फाइड होगा इंक्वायरी होगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन या ऑफिस तो हमको पता है इतना इनको पढ़ने पर एक चीज समझ में आ रही है सेटिस्फैक्शन इज द लास्ट थिंग ये तो सबसे आखिरी में ही मिलेगा और शुरुआत तो होगी प्रॉब्लम के साथ यानी प्रॉब्लम इज द फर्स्ट थिंग एंड सेटिस्फैक्शन इज द फिफ्थ थिंग तो मतलब सबसे पहला होगा थ्री एंड आखिरी होगा वन इतना तो हमें क्लियर हुआ क्या ऑप्शन इतने पर मुझे हेल्प करेगा क्या मुझे पूरा देखना होगा तो मैंने जैसे ही ऑप्शन की तरफ गया तो मुझे पता चला कि ऑप्शन मेरी हेल्प करने को तैयार है इतने पे ही मुझे आंसर मिल रहा है क्योंकि तो के साथ देखिए थे बट के के साथ के साथ एंड केवल एक में हो रहा है देखिए बॉक्स और हम एक साथ पहुंचे हैं और हमारा आंसर हमारे साथ आ चुका है आइए ध्यान देते हैं पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे तो कोई कुछ भी कहे हमें इस बार सिलेक्शन लेके रहना है कोई कुछ भी करे कुछ भी करे हमारा सिलेक्शन होना है पढ़ाई पे अगर ध्यान रहेगा कोई कुछ नहीं कह सकता तो आइए जल्दी से हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा सही आंसर इसमें से कौन सा होगा बताइए जल्दी से बी फास्ट जल्दी टाइम खत्म होने से पहले हमें आंसर दीजिए और बॉक्स मार्शल के आने से पहले आंसर करेंगे जल्दी से क्योंकि तो टाइम खत्म होने के बाद आपका बॉक्स महाशय तुरंत कूद पड़ेंगे आंसर के साथ जल्दी से बताइए मुझे क्या इसमें आंसर होगा टाइम खत्म होते ही बॉक्स से कुछ पढ़ेंगे जल्दी से करिए मुझे बताइए आपका आंसर कौन सा होगा इसमें से बी फास्ट एंड आंसर कौन सा सही आंसर होगा इसमें से मीनिंगफुल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है इन words को करना है, तो यहाँ क्वेश्चन है words का क्या दे रहा है? तो हमसे क्वेश्चन में वर्ड्स दिए गए हैं मैश बॉइल मार्केट पोटैटो एंड आलू चाट तो अगर हम ध्यान समझे तो हमको समझ में आ रहा है कि वो आलू चाट बना रहा है तो आलू चाट बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें सबसे पहले हमें जाना होगा मार्केट तो मार्केट जाने के बाद हम जाएंगे वहां से लेके आएंगे आलू पोटैटो लाएंगे पोटैटो लाने के बाद उसे बॉईल करेंगे बॉईल करके उसे मैश करेंगे एंड आफ्टर दैट आलू चाट बनाएंगे वैसे यहाँ पर एक सिक्स पॉइंट भी होना चाहिए था मेरे हिसाब से और आपको पता है क्या खाने की बात कर रहा है ना तो आलू चाट बनाएंगे क्या उसको छोड़ देंगे खाने की बात होनी चाहिए चलिए तो वही मजाक की बात अब नहीं बोला है उसको हटा दो जरूरत नहीं है हमें इसने बोला है जो हमें उसके हिसाब से हमारा आंसर थ्री फोर टू वन फाइव होना चाहिए तो थ्री फोर टू वन फाइव हमारा आंसर बिल्कुल बन रहा है बट इतना हमें करने की जरूरत थी क्या ऑप्शन से देखें सबसे पहले हमको पता है मार्केट इज वन तो मार्केट इज वन एक ऑप्शन दो ऑप्शन खत्म हो गए मार्केट इज वन सेकेंड नंबर पे फोर यानी आलू सेकेंड नंबर सेकेंड के बाद देखिए वन और टू अलग अलग हो गए और टू में मैश और बॉईल क्या पहले मैश करोगे पहले बॉईल करोगे तो फिर सी बात है पहले बॉईल करेंगे तभी तो मैश करेंगे तो मतलब बॉईल के साथ मैश मतलब ऑप्शन हमारा थर्ड वाला वहीं के वहीं हमें क्लियर हो चुका था तो जल्दी से हमें अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बी फास्ट एन आंसर चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा ब्लफ करने की जरूरत नहीं है आराम से आंसर कीजिए बट टाइमर के अंदर कीजिए आराम मतलब 30 सेकेंड से ज्यादा आराम हुआ तो वो दिक्कत हमारे लिए है तो बी फास्ट और आंसर करो क्या आंसर आपका होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइम खत्म हो गया है और टाइम खत्म हो गया है, इसका मतलब वहां पर देखिए टाइम खत्म होते ही कूद पड़े हमारे पास कि सही आंसर कौन सा होगा पूछा क्या है अरेंज करेंगे जब इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर तो मिडल में कौन सा आएगा बॉक्स में वापस भेज दिया है बॉक्स माशर को क्यों रुक जाओ भाई हमें पहले सॉल्व करके आंसर निकालने दो उसके बाद हम यहाँ आंसर करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी तो बॉक्स मास बोल रहे हैं ठीक है हम रुकते हैं कुछ सेकेंड तो ये कुछ सेकेंड हो गए आए फिर से तो आइए देखते हैं मिडल में कौन सा होगा तो पहला दूसरा तीसरा करते ही तीसरा होगा मिडल पांच है तो पांच में जो मिडिल में आएगा तीसरे नंबर पे ही तो आएगा तो वही तो हमारा सही आंसर होगा जो तीसरे नंबर पे होगा तो तीसरे नंबर पे इनमें से कौन सा होगा आओ देखते हैं और इसको समझते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन सा होना चाहिए तो यहां मैंने देखना शुरू किया सबसे पहला नंबर हमारा क्या होगा एस यू एस पी एस ई के साथ एन तक देखें सभी में हमें बन रहा है बस इसमें सी है तो सबसे पहला वर्ड हमारा हो जाएगा सस्पेक्ट सस्पेक्ट इज द फर्स्ट वर्ड इन द गिवन सीरीज ठीक है सेकंड प्लेस में देखिए एस यू एस पी ई एन सभी में था तो उसके बाद तो अगर देखें तो यहां आए डी यहां एस यहां एस और यहां पे S. तो हमारा डी यानी ये हमारा सेकेंड प्लेस पे होगा तो सेकंड प्लेस भी चला गया थर्ड प्लेस का हमारा सही आंसर मिलना है इन तीनों में जो अब होगा नेक्स्ट वही मेरा इन द मिडल ऑन द थर्ड प्लेस है और वही मेरा सही आंसर भी होगा तो देखो आफ्टर द एस इधर ई है इधर आई है इधर ओ है तो आपके डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले एफ ऑर्डर के हिसाब से आपका सस्पेंस ही सबसे आएगा नंबर तीन पर और सही ऑप्शन हमारा सस्पेंस ही यहां पर दिया गया है सस्पेंशन इज ऑन फोर्थ प्लेस ध्यान दीजिए बेटा सस्पेंशन विल बी ऑन द फोर्थ प्लेस एंड सस्पेंसरी इज ऑन द फिफ्थ प्लेस हमें मांगा था मिडिल मतलब थर्ड प्लेस और थर्ड प्लेस इज सस्पेंशन ठीक है चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अगला इसमें टाइमर बहुत तेजी से कूद के आ गया है सामने तो टाइमर के साथ ही हमें यहाँ पे आंसर करना है हमारा क्या सही आंसर होगा टाइमर के साथ क्योंकि टाइमर के साथ ही आपका जो बॉक्स है वो चला आएगा आंसर बताने के लिए तो बहुत तेजी से अकाउंट ओपनिंग की जो हमारा प्रोसीजर होता है यहाँ पर आपके सामने पेश है जिसको आपको हमारे साथ शेयर करना है तो क्या सही आंसर होगा जल्दी से मुझे यहाँ पर बताइए आपका क्या आंसर इसमें होना चाहिए ठीक है तो बी फास्ट और आंसर करेंगे इसमें से कौन सा सही होगा एज पर द क्वेश्चन कहता है मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको बताना है देखिए हमारा टाइमर खत्म हो गया है तो बॉक्स तुरंत तो कूद पड़े हैं मैं बॉक्स थोड़ा रुक जाओ भाई रुक जाओ बॉक्स ये रुक जाओ यहां पे रुक गया है बॉक्स पहुंचने से पहले कि हमारा आंसर दिखाए आइए देखते हैं ओपनिंग की प्रोसीजर तो सबसे पहले कि हमको पता है ओपनिंग फॉर्म चाहिए होगा हमें ओपनिंग फॉर्म तो चाहिए ही होगा बट क्या ओपनिंग फॉर्म लेकर हम बैंक एंप्लॉय के पास जाएंगे या बैंक एम्प्लॉय ही हमें ओपनिंग फॉर्म देगा क्योंकि देखिए यहाँ पर थ्री वन वन थ्री थ्री वन थ्री वन और वन थ्री के ही फॉर्म में दिया गया है कि ओपनिंग फॉर्म लेके एम्प्लॉय के पास या एम्प्लॉय के पास जाके वो बैंक फॉर्म लेंगे तो सिंपल सी बात है ओपनिंग फॉर्म हमें देगा कौन हमसे शेयर कौन करेगा हमसे शेयर करेगा बैंक एम्प्लॉ तो यहां पर हमारा ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर वहीं पे हो जाते हैं कैंसल तो बैंक एंप्लॉय के पास जाएंगे उससे हम ओपनिंग का फॉर्म लेंगे ओपनिंग फॉर्म के बाद हम उसे फिल करेंगे जो इसमें दिया नहीं उसमें एक वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास आएगा रेफरेंस होता है एक रेफरेंस मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा साइन कराते हैं जो उस बैंक में ऑलरेडी अकाउंट होल्डर होता है जो हमें रेफरेंस देता है उस बैंक वालों को कि हाँ मैं इस व्यक्ति को जानता हूं ये कोई फ्रॉड नहीं है ये यही रहने वाला है इसका आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो ये रेफरेंस के फॉर्म में वहां पर वो देता है और इस रेफरेंस को बैंक एंप्लॉय वेरीफाई करेगा वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट ओपन और आप पैसे उसमें जमा कर सकते हैं मतलब द करेक्ट केस इज वन देन थ्री वन देन थ्री देन द रेफरेंस देन द वेरिफिकेशन एंड द अमाउंट डिपॉजिट ठीक तो यहां पे देखिए टू और फोर को इसने इंडिसेंशियल के रखा हुआ था भाई वेरिफिकेशन के बाद क्या रेफरेंस दोगे वेरिफाई करना क्या है वेरिफिकेशन होगा रेफरेंस का इसलिए सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन वन ही तो बनेगा देखिए बॉक्स माशा भी आ गए हमारा सही आंसर लेकर और बिल्कुल यहाँ पे शुभी तुम्हारा भी सही आंसर है अभय बिल्कुल वैभव दीपक बहुत बढ़िया सही आंसर देते हुए वाजपेयी जी बिल्कुल पानीपुरी चलिए बहुत बढ़िया पानीपुरी से भूख लगाई भाई जल्दी जल्दी करते हैं आंसर भूख लगने लग गई है बिल्कुल आई एम राइट सही आंसर इसमें कौन सा होगा आइए बताइए डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है शब्द कोश में अरेंज करना है याद रखिए फिर से वही तरीका बिना ऑप्शन के आप आंसर करोगे परेशान हो गए अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान रखना ऑप्शन का यूज करते समय गलती से भी इसे ऑप्शन में मतलब मान लेना अदरवाइज गलती हो जाएगी पूरी मेहनत बेकार हो जानी है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसी गलतियां कर देते हैं

फोर में एम ई डी एम टी तो फोर तो नहीं होगा बाहर करो ठीक है सेकेंड भी हो गया थर्ड प्लेस फोर थ्री फाइव तो फोर थ्री फाइव में ढूंढ लो कौन सा थर्ड और वही हमारा आंसर खत्म तो देखिए एम 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 ई ई ई टी टी एल एल पहले आएगा टी बाद में आएगा तो फोर फाइव बाद में आएगा थ्री पहले थ्री पहले तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री बॉक्स जी आ गए कूद के देखिए हमारे पास आंसर बिल्कुल थर्ड ऑप्शन ऑप्शन थ्री वाजपेयी पानीपुरी बिल्कुल सही आंसर है आपका दीपक बिल्कुल सही आंसर है बहुत बढ़िया जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और यहां पे आपका टाइमर भी शुरू कर दें तो टाइमर जल्दी जल्दी आ गया है और टाइमर के साथ ही आपका जो यहाँ पर आंसर होगा बहुत जल्दी से मुझे आंसर करिए क्या आपका आंसर होगा बी फास्ट एंड आंसर में क्या सही आंसर इसमें होना चाहिए आपका जल्दी बताइए मुझे जल्दी करिए आंसर कौन सा इसमें सही आंसर होगा देखिए बॉक्स कूद आ गए बॉक्स रोकना पड़ेगा रुकिए 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 नहीं रुक रहा इस बार नहीं रुकेगा तो रुक लेते हैं चलो रुक जाए आंसर बता के रहेगा क्या जल्दी से रुक गया चलिए देखें आंसर आप सभी के आंसर सी आना शुरू हुए हैं चलो देखें क्या सी होगा या ए होगा यहां पर आंसर मिक्स हो गया अब ए के साथ तो देखते हैं थ्री होगा या ए तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है ना कि डिक्शनरी ऑर्डर तो डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब तो 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 हम करते हैं हमारे साथ होता है तो उसमें गड़बड़ कहां होनी चाहिए थी तो सबसे पहले हमें मिलेगा एक एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट तो से शुरू करेंगे बिल्कुल एड आएगा तभी तो फॉर्म का पता चलेगा हमें तो इस एडवर्टीजमेंट के साथ दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए एंड उसके बाद इसका मतलब जी सही जा रहे थे और हमारा पहला वाला बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा देखिए बॉक्स जी पूरे चले आ रहे हैं हमें सही आंसर बताने के लिए और ये रुकते हुए वन तक पहुंच गए हैं और पहुंच के रुक गए मतलब हमारा सही आंसर पहला वाला होगा चलिए कोई नहीं छोटी सी गलती हो गई तो उसे एक्सेप्ट करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं तो जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास क्या होगा इस सही आंसर क्या करना है इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है अगेन हमें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करोगे तो बताओ क्या आएगा हर्ट हेनरी हैवी और एच क्या आएगा हमारा डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले क्या उसके बाद क्या डोंट तो वरी जल्दी बताओ मुझे आंसर ये लिखिए बॉक्स जी तो गुद गए आंसर बताने के लिए बॉक्स जी को रुकना नहीं है तो उनके साथ हम लोग भी मूव करते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि बॉक्स जी आ गए हैं तो उनके साथ आंसर करेंगे तो आइए जल्दी से करें इसमें कौन सा डिक्शनरी के हिसाब से आंसर जाएगा तो एच ई ए वन और थ्री के हिसाब से जाना है तो ये देखते हैं वन और थ्री में पहले कौन सा और उसके बाद कौन सा बॉक्स जी ने तो आंसर बता दिया यार बॉक्स जी तो पहुंच भी गए तो कोई बात नहीं हम भी आ जाते हैं फटाफट क्या सही बॉक्स जी बता रहे हैं मान पड़ेगा बट चेक कर लेते हैं जल्दी से आइए तो वन और थ्री में वन एंड थ्री के हिसाब से एच ई ए एच ई ए आर और यहां V तो R पहले होगा बात सही है ये बाहर फाइव थ्री थ्री तो फाइव और थ्री में देखें दूसरा कौन सा एच ई ए वी एच ई ए डी तो फाइव नंबर पहले होगा थ्री नंबर बाहर ठीक है थ्री नंबर बाहर तो थ्री नंबर बाहर फाइव पहले होगा नहीं 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 गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई, गई। देखिए यहां पर एच ई ए तक तो ठीक था यहाँ पे वहीं पे थे हमने देखना था हमने आगे का देख लिया तो एच ई ए की जगह यहाँ पे डी दिया हुआ है तो आपका देखिए वन के बाद आएगा थ्री थ्री के बाद आएगा फाइव हाँ यहाँ देखिए एन दिया हुआ इन दोनों में इसमें डी दिया है तीसरे प्लेस पर तो नंबर फाइव आपका तीसरी प्लेस पर चौथी प्लेस पर देखिए आपका यहाँ फोर्थ प्लेस पे सी और यहाँ आर तो नंबर चार होगा और फिर होगा दो थ्री फाइव फोर टू आपका आंसर सही बिल्कुल आ चुका है तो जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन और मुझे आंसर बताइए इसमें आपका सही आंसर क्या होगा बी आंसर आंसर मी क्या सही इसमें आपका होना चाहिए जल्दी बताइए मुझे आपका सही आंसर इसमें क्या होगा आपके पास क्वेश्चन के साथ टाइमर खत्म होने वाला है जल्दी बताइए बी होगा बी होगा आंसर आना शुरू हो गया ऑप्शन में बी होगा देखिए मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है यानी कि लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो देखिए मीनिंगफुल यानी लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे बॉक्स जी को रुकने को रुकने बोलो थोड़ा सा चलिए रिक्वेस्ट किया हमने रुक गए हैं तो शुरू करते हैं पॉइंट क्या क्या दिया है ओशियन यानी सागर रेवलेट ठीक है रेवलेट यानी कि धार छोटी नदी का को बोलते हैं सी वेव समुद्र की लहर ग्लेशियर हिम नदी और रिवर नदी को बोलते हैं यानी कि एक रिवर की पूरी हिस्ट्री जहां शुरू से खत्म तक की बात कही है तो आपको पता है स्टार्ट बाय ग्लेशियर शुरुआत तो, शुरु तो ग्लेशियर से ही होगा तो ग्लेशियर से शुरू होगा नंबर चार से तो नंबर पांच यहां पे दिया है स्टार्टिंग जो कैंसिल हो गया रिवर नहीं शुरू होता स्टार्ट बाय ग्लेशियर तो ग्लेशियर से हमारा स्टार्ट होगा ये पहला केस आया है दूसरे नंबर पे दो नंबर ही दिया है मतलब रेवलेट इज सेकेंड प्लेस इज ओके यस छोटी सी धार निकलती है दैट इज कॉल्ड एज अ ये हमारा आ गया है उसके बाद अगर देखें सेकंड एंड देन आता है नंबर फाइव नंबर वन में नंबर फाइव नंबर वन में ओशन तो पहले नहीं पहले आएगा रिवर देखिए ग्लेशियर के बाद आपका रेवलेट आएगा रेवलेट के बाद आपका रिवर हो जाएगा आफ्टर द रिवर हमें ओशन मिलेगा क्योंकि रिवर जाके ओशन में मिल जाती है और तब जाकर के समुद्र में लहरें स्टार्ट होंगी सी में वेव स्टार्ट होगा फोर टू फाइव वन थ्री हमारा यहाँ पे सही आंसर आ गया है तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए फिर से आपका क्वेश्चन भी कहां से आया हुआ है पिछले पेपर से आया हुआ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जल्दी से मुझे आंसर करेंगे क्या इसमें सही आंसर आपका होगा विच इज द करेक्ट आंसर इन दिस ऑप्शन टाइमर चल रहा है आपका जल्दी बताइए मुझे टाइमर खत्म होने से पहले आपका आंसर क्योंकि इनके ही टॉक्स जी कूदेंगे आपके आंसर के लिए इसमें क्या होगा इसे अरेंज करना है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है ठीक है लौट के आते हैं आपके सामने जल्दी से मुझे आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा हम 21 को रिपीट करेंगे कुछ लोगों को सर 21 में डाउट आया है तो वे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं मुझे इसमें बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर फिर हम रिपीट कर देते हैं एक बार आपके लिए तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जैसे डिक्शनरी ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करने जाएंगे तो हमारे पास दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से पहला वर्ड तो सिक्स ही जाएगा जहां हम कुछ भी चाह कर भी नहीं कर सकते तो तो हमारा पहला रहेगा रहेगा देखिए सभी में दे रहा है तो वो होगा ओके okay. एक्सेप्टेड है दूसरे नंबर पे देखिए तीन अगेन आ जाता है तो वो भी एक्सेप्टेड करना पड़ेगा हमें ठीक है और तीसरे नंबर पे देखिए फाइव है वो भी एक्सेप्ट कर लो यानी चार आ गया एक जगह चार भी हो गया तो पांच से एक्सेप्ट नहीं कर सकते अभी हम देखिए एक जगह पे देखिए लास्ट वाला ऑप्शन है चार आया है तो पांच और चार में से कौन सा पहले आओ देखेंगे पांच में आर ई पी ई और नंबर चार में आर ई पी ई सेम है उसके बाद का लेटर आता है ए एल इधर ए टी तो पहले आएगा पांच चार नहीं यानी ऑप्शन डी यहां पे कैंसिल हो गया चलिए अब अगला जो दिया गया है वर्ड पांच भी हमारा हो गया चार एक चार तो कौन सा पहले चार या एक और चार एक में देखें तो चार एक में P एस पी P पी तीसरा लेटर उधर S एस तो पहले आता है यानी कि फोर पहले आएगा तो ये एक और ऑप्शन कैंसिल हो गया अब टू और वन उधर वन और टू अब इनमें से कौन सा पहले होगा बस हमारा आंसर तो P एस पी V तीसरा लेटर इधर एस उधर वी तो एस पहले वी बाद में यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी तो ये हमारा बॉक्स देखिए पहुंच गया है सही गलत जगह पहुंच गया बॉक्स छोड़ दो उसको तो बॉक्स जी लगता है गलत जगह पहुंच गए एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या बॉक्स जी गलत जगह पहुंचे हुए हैं या हमारा सांसर गलत हो गया तो देखें इसमें एक बार जल्दी से तो सबसे पहले हम देखें सिक्स पहला है बिल्कुल है थ्री हमारा दूसरा है बिल्कुल है ठीक है फिर नंबर फोर और नंबर फाइव में देखें तो आर ई पी ई एल आर ई पी ई ए टी सिक्स या नहीं हमारा सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा इस बार बॉक्स जी गलती कर गए हमारा आंसर सही था ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बी इज द रॉन्ग आंसर तो चलिए आपका एक डाउट ले लेते हैं जो हमने आपने हमसे कहा कि सर ट्वेंटी वन में थोड़ा सा डाउट आया आइए ट्वेंटी वन के डाउट को क्लियर कर लेते हैं इसके आंसर को यहां से डिलीट कर देते हैं क्या कहता है हमारा आंसर और देखें तो यहां क्या कहा गया था डिक्शनरी ऑर्डर में इसे अरेंज करोगे आप तो ये इसने क्वेश्चन हमसे मांगा था जल्दी से करते हैं डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज इन्हें तो डिक्शनरी ऑर्डर में जब इन्हें अरेंज करने जाएंगे तो आप देखिए एच ई ए आर टी देखिए स्टार्ट बाय करोगे एच ई आर टी एच ई प्लेस इज लेटर एटीन लेटर फोर्थ प्लेस इज लेटर नंबर ट्वेंटी टू तो स्टार्ट बाय वन तो ये ऑप्शन बाहर हुआ हमारा ठीक है तो एक ऑप्शन बाहर हुआ इसके बाद नंबर फाइव नंबर थ्री नंबर थ्री तो फाइव और थ्री में चेक करेंगे एच ई जी एच ई -ए, -ए, ए तो पहले कौन सा नंबर तीन पहले पांच नंबर तो पांच नंबर कैंसिल नंबर तीन पहले नंबर तीन के बाद पांच और चार में पहले कौन सा पांच में और चार में तो पांच में देखिए तीसरा लेटर इज फोर्थ लेटर डी है और यहां पर हमारा फोर्थ लेटर थर्ड लेटर इज फोर्टीन एन है तो इसके हिसाब से हमारा पांच नंबर पहले आएगा यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर देखिए बॉक्स जी भी आ गए हमारा सही आंसर इसमें फोर्थ वाला ही होगा तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है यहाँ पर क्लियर है तो चलिए आपका आज की क्लास यहीं पे करते हैं हम समाप्त और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक लेकर के चैनल को सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन जरूर दबाइएगा और पसंद आया इसको लाइक करने के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में थैंक यू सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट